हेलो दोस्तों, अक्सर लोगों के मन में ये सवाल आता है कि आईटीआई करना फ्यूचर में यूज़फुल है। आज के टाइम में बेरोजगारी जहां तेज़ी से बढ़ रही है, वहीं आपके सामने आईटीआई करके जॉब के सुनहरे अवसर हैं, जैसे कि पब्लिक सेक्टर जॉब, रेलवेज, डिफेंस आदि। प्राइवेट सेक्टर जॉब आप आसानी से कर सकते हैं। इसके अलावा आप चाहें तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट यानी खुद का बिजनेस आप शुरू कर सकते हैं, और आप चाहें तो किसी फॉरेन कंट्री में अच्छी पोस्ट पे जॉब कर सकते हैं। तो आज ही एडमिशन लीजिए अहमद अब्दुल्ला गरे प्राइवेट इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में। मुमरा की सड़क पर पड़े गड्ढों को भरा जा रहा है मिट्टी से। रफीक कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत। मुमरा की एकमात्र मुख्य सड़क, खासकर आप देखेंगे कि जहां जहां चौराहे हैं, जैसे किस्मत कॉलोनी का चौराहा है, शरीफा रोड का चौराहा है, यहां पर अच्छे खासे गड्ढे हो चुके हैं। इसके बाद अमृत नगर में थोड़े बहुत गड्ढे हैं और सोनाजी नगर में थोड़ा बहुत टूट फूट का मामला है। आगे आप जाएंगे तो रोशनी अपार्टमेंट, रोशनी महल के सामने कई सारे गड्ढे पड़ चुके हैं। अभी ये गड्ढे पाटे गए हैं और वो भी मिट्टी से। किस तरह से मिट्टी से गड्ढे पाटे गए वो आप देखिए कैसे भरा गया। और एक आध दिन दो दिन बारिश होगी तो फिर ये मिट्टी जो है पानी की वजह से बाहर निकल जाएगी, फिर ये गड्ढे वैसे के वैसे हो जाएंगे। अब ये कॉन्ट्रैक्टर जो भी था मिट्टी से गड्ढे भरने का काम कर रहा था, वो क्यों ऐसा कर रहा था और ये टेंडर कितने का है, कितने पैसे इसमें मनपा के खर्च होंगे जो लोगों के टैक्स के ही होंगे, अब ये बातें तो जो है सामने है, मगर ये काम करने का तरीका कौन सा है इसका जवाब तो मनपा प्रशासन को देना होगा। उसके बाद आप देखेंगे दाभोलकर के पास जो गड्ढे हैं वहाँ पर भी मिट्टी डाली गई है, पहले के गड्ढे और ये मिट्टी डालने के गड्ढे, तो ये बारिश में फिर खुलेंगे। इसके बाद आप देखिए मुमरा ब्रिज का, यहाँ से कौसा से रेती बंदर जाने वाला जो शुरुआती हिस्सा है उसमें कैसे गड्ढे पड़े हुए हैं। आगे जो है आप देखेंगे कि जब आप मुमरा से कौसा की तरफ आते हैं या कौसा से मुमरा की तरफ जाते हैं, तो जो ब्रिज का शुरुआती हिस्सा है वहाँ का या आखिरी हिस्सा है, वहाँ पर बेतहाशा गड्ढे पड़ चुके हैं जो कि हर साल होते हैं। उसके बाद दत्तूवाड़ी का पूरा परिसर है, जो पंप और तबेला का परिसर है, वहाँ पर पूरे गड्ढे ही गड्ढे हैं। फिर यहाँ से इस सड़क पर कई जगहों पर गड्ढे हैं, जो बीच में इसमें कोलतार का काम किया गया था, डांबरीकरण इसका किया गया था, तो बारिश में कैसा बह गया है वो भी आपको इसमें दिखाई देगा। हम ये पूरे फुटेज आपको दिखा रहे हैं। फिर आप रेती बंदर में जो है देखेंगे कि किस तरीके से बाईपास का जो ब्रिज है उसके दोनों तरफ के रोड पर गड्ढे पड़े हुए हैं, और सीमेंट कंक्रीट के रोड पर एक ऐसा खतरनाक गड्ढा है कि जो दुर्घटना का कारण बन सकता है। कोई भी दो पहिया, तीन पहिया या चार पहिया वाहन जो है अगर इस गड्ढे में चला गया और तेज़ गति से रहा तो निश्चित रूप से यहाँ दुर्घटना हो सकती है। उसके बाद रेती बंदर सर्कल पे बीच में भी कुछ गड्ढे हैं और रेती बंदर सर्कल पर भी गड्ढे हैं। तो अब बीच में जो है, जब मनपा आयुक्त जायसवाल थे, संजीव जायसवाल, तो बड़ी जर्मन की टेक्नोलॉजी, यहाँ की टेक्नोलॉजी, वहाँ की टेक्नोलॉजी लाई जा रही थी गड्ढे भरने के लिए, फिल द पॉट्स के लिए। लेकिन अब एक नया तंत्र है, मिट्टी से सीधा गड्ढा भर दो और पैसे कमा लो। तो कैसा ये मिट्टी से गड्ढे भरे जा रहे थे रोशनी महल के सामने, उसके साथ आप देखेंगे कि ये गड्ढे कितने पड़े हुए हैं, और इसकी वजह से अब शहर में कई बार दाभोलकर के पास, कई बार पुलिस स्टेशन के पास, कई बार मुमरा ब्रिज के पास जो है ट्रैफिक जाम हो जाता है और 10-10 15-15 मिनट गाड़ी चालकों को, लोगों को जो है यहाँ पर रुकना पड़ता है।